नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की सी टीवी। और जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो बारिश ने खूब तबाही जो है मचाई है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये है अस्को का मार्ग, धर्मशाला अस्को, और देख सकते हैं यहाँ पर भूस्खलन जो है वो हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ इस मार्ग की, तो पूरी तरह से अवरुद्ध जो है वो हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रास्ता जो है वो बंद हो गया है। हालाँकि धर्मशाला से गग्गल वे कांगड़ा को ये जो सड़क मार्ग है वो जोड़ता है, लेकिन ये देख सकते लगातार यहां पर लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है, जिसके चलते जो है काफी नुकसान जिला कांगड़ा में हुआ है। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश जो है वो हो रही है। ऐसे में अगर हम बात करें नेशनल हाईवे समेत 88 जो सड़कें हैं वो बंद हैं, बाधित जो है वो इस बारिश के चलते हुई है। जिला कांगड़ा में भी बारिश के चलते खूब तबाही जो है वो हुई है। देख सकते हैं अभी भी से गिर रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर भूस्खलन जो है वो हो रहा है। अस्को की बात करें तो अस्को में हालांकि काम भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर ये देख सकते हैं भूस्खलन यहाँ पर हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते पूरी तरह से बंद है। अगर आज की अगर हम बात करें तो पोंग डैम में भी पानी जो है वो छोड़ने शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम नदी नालों की बात करें तो बारिश के चलते उफान पर है। और इसका भी जो पोंग डैम है, चाहे ब्यास नदी है, उसका भी जलस्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसके चलते अब पोंग डैम की अगर हम बात करें तो उसमें से पानी जो है वो अब धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है। अगर सुबह की बात करें तो सुबह 8 बजे पानी जो है वो पोंग डैम से छोड़ा गया है। हालांकि आप सभी को विदित है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है, और प्रदेश भर में इस बारिश ने कहर जो है वो बरपाया है, कई लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कांगड़ा की करें तो गनीमत ये है कि जिस तरीके से अन्य जिलों में नुकसान बारिश से हो रहा है, उस तरीके का नुकसान जो है वो जिला कांगड़ा में देखने को नहीं मिला है। अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में ये स्को मार्ग है और यहाँ पर ज़रूर लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है, जिसके चलते ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पूरी तरह से बाधित है। गाड़ियाँ जो है वो रुक चुकी है, क्योंकि आगे जो है वो काम उसका चल रहा है। JCB द्वारा जो लैंडस्लाइड हुई है, जो वह सड़क पर गिरा है, उसे हटाया जा रहा है। ब्यास नदी की बात करें तो वो भी उफान पर है और उसका पानी जो है वो सड़कों तक पहुंचने जो है वो शुरू हो गया। देख सकते हैं जो भी वाहन जो कांगड़ा की तरफ को जा रहा है वो वापस यहीं से ही वापस हो रहा है, क्योंकि आगे जैसे कि मैंने बताया कि रास्ता पूरी तरह से बाधित है। अगर आज की बात करें, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, ऐसे में आज जो है वो स्कूल हो चाहे अन्य शैक्षणिक संस्थान हो, कॉलेज हो, तमाम सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी जो है प्रशासन द्वारा दी गई है, ताकि ये बारिश के चलते जो है वो किसी भी प्रकार की कोई हानि जो है वो और ना हो। क्योंकि अगर हम बात करें लैंडस्लाइड की, रास्ते बंद होने की, तो रास्ते जो है वो अधिकतर, क्योंकि अगर हम NH की बात करें तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड होने के चलते जो है वो काफ़ी नुकसान झेलना जो है वो पड़ा है। देख सकते हैं पूरी सड़क पर मलबा जो है वो नीचे गिरा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आज सुबह की, तो आज सुबह जो है वो पोंग डैम से पानी जो है वो छोड़ा गया है, और ये जो है 12 बजे तक जो है वो 50,000 क्यूसिक पानी जो है पोंग डैम से छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पोंग डैम के साथ जो लोग रहते हैं उनकी भी खासी दिक्कतें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पहले भी पोंग डैम से जब पानी छोड़ा गया था तो वो उसके चलते जो लोग थे काफ़ी दिक्कतें जो है वो उन्हें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि खेती को भी उनकी नुकसान हुआ था। तो ऐसे में लगातार बारिश जो है वो हो रही है और बारिश के चलते नुकसान जो है वो खासा जो है वो झेलना पड़ रहा है। हालाँकि लोगों के घर हो चाहे गौशालाएँ हो, तमाम जो है वो बाढ़ की चपेट में चुकी है। अगर प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है, लेकिन अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में बाकी जिलों की तुलना की जाए तो इतना नुकसान जो है वो नहीं आका गया। हालांकि करोड़ों में नुकसान जरूर हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें विद्युत बोर्ड की, तो विद्युत बोर्ड को भी काफी नुकसान जो है वो हुआ है। 99 ट्रांसफर जो है वो विद्युत बोर्ड के प्रभावित हुए हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। इसके चलते अगर बात करें 50 के करीब जो है विद्युत बोर्ड के कर्मियों द्वारा ट्रांसफर
फार्मों को बहाल जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है और पेड़ भी जो है वो जो बिजली की जो तारें हैं उन पर गिर कर कहीं ना कहीं जो ट्रांसफार्मर है वो भी जो है वो प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जल शक्ति विभाग की, तो जल शक्ति विभाग को भी 150 के करीब जो परियोजनाएं हैं वो प्रभावित हुई है और 80 के करीब परियोजनाओं को अस्थायी तौर पर जो है वो ठीक कर लिया गया है। तो लगातार चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे जल शक्ति विभाग हो और चाहे विद्युत बोर्ड क्यों ना हो, करोड़ों की चपत जो है वो इस बारिश ने उन्हें लगाई है। और जैसे कि मैंने सुबह भी आपको तस्वीरें जो है वो साझा की थी कि किस तरीके से चंबी का जो NH हाईवे है वहाँ पर भी लैंडस्लाइड जो है वो हो रहा था, 4 दुकानें जो है वो उस लैंडस्लाइड की चपेट में आई हैं। हालाँकि कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं आंकने को मिला है वहाँ पर, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ था। 2 दिन तक रास्ता जो है वो बहाल नहीं हो पाया था, क्योंकि जितनी भी ऊपर की जो पहाड़ी थी सड़कों पर नीचे जो है वो पहुँच गई थी। ऐसे में ही अगर अभी की बात करें तो देख सकते हैं पूरी सड़क पर मलबा जो है वो गिरा हुआ है। हालाँकि अगर हम आगे की बात करें तो आगे भी जो है वो रास्ता पूरी तरह से बाधित है और कार्य जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं इसको की ये तस्वीरें हैं और वाहन जो है वो यहीं से ही पीछे की ओर जो है वो मुड़ रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, क्योंकि लगातार बारिश का दौर शुरू है। तो ऐसे में जिला प्रशासन व सरकार तमाम लोगों से यही अपील कर रही है कि बारिश मैं जो है वो बाहर जाने से बचे, परहेज करें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 88 यानी कि 88 NH समेत सड़कें जो है वो जिला कांगड़ा की बाधित हुई है। तो ऐसे में लोगों को जो है वो सावधानी बरतनी है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज himachal.kstreet।